जिंदगी की भाग दौड़ में सेहत का भी ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि पेट आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनी और स्वागत है आप सभी का हेल्थ मनी में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है अंगूर। दोस्तों अंगूर के सेवन से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मिलती हैं आपको हेल्थ से रिलेटेड तरह तरह की वीडियो एंड टिप्स। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में अंगूर की बहार होती है और यह स्वादिष्ट रसीला नन्हा सा फल हर किसी को बेहद पसंद है। यह एक बलवर्धक, स्वास्थ्य वर्धक और सौंदर्य वर्धक फल है। अगर आप भी इसके शौकीन हैं, तो इस गर्मी में खूब करें रसीले अंगूर का सेवन, क्योंकि इसे खाने से आपको मिलेंगे बहुत सारे फायदे। चलिए दोस्तों जानते हैं अंगूर के सेवन से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों टिप्स नंबर वन, अंगूर के सेवन से मिल सकते हैं आपको बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन। अंगूर में सीमित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सोडियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और आयरन भी पाया जाता है। दोस्तों टिप्स नंबर टू, अंगूर के सेवन से आंखों और बालों को चमकदार बनाया जा सकता है। अंगूर का पल्प ग्लूकोज व शर्करा युक्त होता है। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होने से अंगूर का सेवन भूख बढ़ाता है, पाचन शक्ति ठीक रखता है, आंखों, बालों एवं त्वचा को चमकदार बनाता है। दोस्तों टिप्स नंबर थ्री, अंगूर के सेवन से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए काले अंगूर का रस एस्प्रिन की गोली के समान कारगर है। एस्प्रिन की गोली खून के थक्के नहीं बनने देती है। काले अंगूर के रस में फ्लियोनाइड्स नामक तत्व होता है और यह भी यही कार्य करता है। दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों टिप्स नंबर फोर, अंगूर के सेवन से फोड़े फुंसियों से छुटकारा पा सकते हैं। अंगूर फोड़े फुंसियों एवं मुहासों को सुखाने में मददगार है। अंगूर के रस के गरारे करने से मुंह के घाव एवं छालों से राहत मिलती है। अगर आप फोड़े फुंसियों से परेशान हैं तो आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों टिप्स नंबर फाइव, अंगूर के सेवन से एनीमिया रोग रहता है दूर। एनीमिया के लिए अंगूर से बढ़कर कोई दवा है ही नहीं। उल्टी आने या जी मचलाने पर अंगूर पर थोड़ा नमक व काली मिर्च डालकर सेवन करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। दोस्तों अगर आप एनीमिया से परेशान हैं तो आप अंगूर का सेवन जरूर करें। दोस्तों टिप्स नंबर सिक्स, अंगूर के सेवन से पेट की गर्मी शांत की जा सकती है। पेट की गर्मी को शांत करने के लिए 20 से 25 अंगूर रात में पानी में भिगो दें तथा सुबह मसल कर निचोड़ लें। अब इस रस में थोड़ी शक्कर मिलाकर इसका सेवन करें। दोस्तों अगर इस तरह की परेशानी आपको है तो आप अंगूर का सेवन जरूर करें। दोस्तों टिप्स नंबर सेवन, अंगूर के सेवन से आपकी माइग्रेन में राहत मिल सकती है। अंगूर के रस का सेवन करना माइग्रेन से निजात दिला सकता है। इतना ही नहीं, इसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा में कसाव के साथ ग्लो भी आता है। दोस्तों अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं तो आप अंगूर का सेवन जरूर करें। दोस्तों टिप्स नंबर एट, अंगूर के सेवन से आपके खून में होती है बढ़ोतरी। भोजन के आधे घंटे बाद अंगूर का रस पीने से खून बढ़ता है और कुछ ही दिनों में पेट फूलना, बदहजमी आदि बीमारियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप अंगूर का सेवन जरूर करें। तो देखा दोस्तों अंगूर के सेवन से हम कितनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अंगूर का सेवन नहीं करते हैं तो प्लीज आज से ही इसे अपनी डाइट में शामिल जरूर करें और इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अपने कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। क्या दोस्तों ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा, या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे जाएं, इसका लिंक उनको शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, शायद उनके जीवन में कोई बदलाव आए या कोई खुशहाली और वो आपको धन्यवाद बोले। इसके साथ साथ मेरा भी मैसेज उन लोगों तक पहुँच पाए। दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि जो वीडियो आने वाला है वो सबसे पहले आपको मिल सके। यदि हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलती है मोटिवेशन दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।